इजिप्ट की स्विस कैनाल पूरे वर्ल्ड के सी रूट्स के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। मेडिटेरेनियन सी और रेड सी को कनेक्ट करने वाली कैनाल जब ये नहीं थी तो शिप्स को पूरा अफ्रीका घूम के जाना पड़ता था, और इस कैनाल के बनने के बाद में उनका 9000 किलोमीटर या फिर 10 दिन का ट्रैवल टाइम बच जाता है। यही कारण है कि जब 2021 में एवर गिवन नाम का एक शिप यहाँ पे 6 दिन के लिए अटक गया था तो पूरे वर्ल्ड के ऑयल प्राइसेस ऊपर उड़ गए थे। मगर फिर भी जब 1860s में ये कैनाल बन रही थी तब ब्रिटिशर्स इसके अगेंस्ट में थे, क्योंकि फ्रांस गवर्नमेंट और इजिप्ट के एम्परर मिलकर ये बना रहे थे और वो नहीं चाहते थे कि फ्रांस की इस पे डोमिनेशन हो जाए। 1875 में मौका पाकर इजिप्ट के एम्परर से ब्रिटेन ने उनका हिस्सा खरीद लिया और ब्रिटेन और फ्रांस मिलकर ये कैनाल ऑपरेट करने लगे। अब फास्ट फॉरवर्ड टू 1956, इजिप्ट के एम्परर को लगा कि ये कैनाल हमारे देश के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, तो उन्होंने ये कैनाल की कंपनी को नेशनलाइज कर दिया और ब्रिटेन फ्रांस का हिस्सा छीन लिया, और इससे ब्रिटेन फ्रांस और इजराइल ने मिलकर उन पर अटैक कर दिया। मगर यूनाइटेड नेशंस ने बीच में आकर बचाया कि ये कैनाल पूरे वर्ल्ड के लिए इंपॉर्टेंट है, सिर्फ तुम्हारे लिए नहीं, और ये लड़ाई बंद की। तो देखा एक कैनाल कितनी इंपॉर्टेंट हो सकती है पूरे वर्ल्ड के लिए। उसी तरह जिस तरह से समुद्र में बने हुए छोटे छोटे आइलैंड्स पूरे वर्ल्ड में बहुत इंपॉर्टेंस रखते हैं। कैसे, जानने के लिए वीडियो देखिए, लिंक इन कमेंट्स।